हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक बार फिर से हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसको हमने आपके सामने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया, अधिकारियों से सवाल किए और ऐसे में अब इस पर बड़ा कदम उठाया गया है, एक्शन लिया गया है और अस्पताल में फोर्थ क्लास कर्मचारी से मरीज को टांके लगाने के मामले में पीएमओ ने लापरवाही करने वाले दो डॉक्टर्स पर नियम 7 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है। वहीं अस्पताल में मरीज को टांके लगाने वाले फोर्थ क्लास कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया है। पीएमओ ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद 3 डॉक्टर्स की कमेटी गठित की गई थी जिसकी रिपोर्ट में डॉक्टर राहुल चौहान और गौरव जांगलान की लापरवाही सामने आई। इसके बाद उनके खिलाफ दोनों डॉक्टर की चार्जशीट के लिए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मैंने 3 सीनियर डॉक्टर जो है उनकी कमेटी बनाई थी जिसमें डीएमएस हमारे डॉक्टर गिनी लांबा और 2 मेडिकल ऑफिसर थे। तो इन्होंने जो है इंक्वायरी करके मेरे को रिपोर्ट दी है जिसमें इन्होंने जो क्लास 4 के आउटसोर्सिंग के मनीष जो कि पेशेंट के ऊपर टांके लगा रहे थे इमरजेंसी के अंदर जो जिसके लिए वो वैलिड नहीं है, तो डॉक्टर गौरव जागलान और डॉक्टर राहुल चौहान जो ड्यूटी पर थे इमरजेंसी में जिनको टाके लगाने चाहिए थे उन्होंने टाके नहीं लगाए, बल्कि क्लास 4 को टाके लगाने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ड्यूटी में गंभीर जो लापरवाही बरती, तो इंक्वायरी कमेटी ने ये पाया है कि इन्होंने खुद टाके ना लगाकर एक चतुर्थ कर्मचारी के तरफ से छोड़ दिया जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं था। इसलिए मैंने इन दोनों डॉक्टरों के खिलाफ सेक्शन 7 में चार्जशीट के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा को लिख दिया। Hey!